हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं अध्याय 9 खनिज यानी कि मिनरल्स पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, क्वेश्चन के वेरिएशन भी बहुत इससे आते हैं, तो थोड़ा ध्यान समझते हुए चलिएगा। पीएससी और व्यापम इससे प्रश्न उठाते हैं। ठीक, देखिए अध्याय 9 खनिज यानी कि मिनरल्स। खनन तथा उत्खनन क्षेत्र का जीएसडीपी में भागीदारी वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए अनुमानित है स्थिर कीमतों पर। स्थिर कीमत और प्रचलित कीमत क्या होता है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो स्थिर कीमतों पर खनन तथा उत्खनन क्षेत्र का जीएसडीपी में भागीदारी वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए। ठीक, देखिए ध्यान दीजिएगा, खनन तथा उत्खनन क्षेत्र की भागीदारी है आपकी 26,958 करोड़ रुपए। छत्तीसगढ़ का जो कुल जीडीपी का आकार है वो है आपका 243,476 करोड़ रुपए। तो उस छत्तीसगढ़ के कुल जीडीपी के आकार का यानी कि 243,476 करोड़ रुपए में से लगभग 26,000 करोड़ रुपए की भागीदारी जो है ये आपकी खनन तथा उत्खनन क्षेत्र की है। देखिए एग्जैक्ट डाटा याद करने की कोशिश मत कीजिएगा, नंबर ऑफ डाटा है, आप सभी के सभी डाटा को याद नहीं कर सकते, तो उसका जो है आप अनुमानित डाटा को याद किया कीजिए, एप्रोक्स डाटा को याद किया कीजिए। 26,958 करोड़ रुपए कभी याद नहीं होगा, लगभग 26,000 करोड़ रुपए की भागीदारी ऐसे याद करिए। ठीक है, छत्तीसगढ़ के जीडीपी का आकार है 243,476 करोड़ रुपए, तो इस 243,476 करोड़ रुपए में से लगभग 26,000 करोड़ रुपए की भागीदारी खनन तथा उत्खनन क्षेत्र की है, जो कि छत्तीसगढ़ के कुल जीडीपी के आकार का 11.72% है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के कुल जीडीपी का आकार का 11.72% हिस्सेदारी रखता है। जिन लोगों ने भी जो है आपके छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 का पीडीएफ परचेस किया है सीजीपीएससी ई पाठशाला वाला, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वहां पर जो है आपके इस जीएसडीपी में भागीदारी में जो है आपका वित्तीय वर्ष 2018-19 लिखा गया है, वो मिस प्रिंट है, उसे काट करके 19-20 कीजिएगा। ठीक है, बाकी सब सही है, लेकिन इसे काट करके आप 19-20 करेंगे। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम देखेंगे आपका कुछ मुख्य बिंदु। ठीक है, कुछ मुख्य बिंदु पर चर्चा करेंगे। एक चीज और थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका खनन तथा उत्खनन क्षेत्र है, ये इससे एक प्रश्न पूछा जाता है कि किस वित्तीय वर्ष में खनन तथा उत्खनन क्षेत्र की वृद्धि दर ऋणात्मक दर्ज की गई, किस वित्तीय वर्ष में, प्रश्न को थोड़ा ध्यान समझिएगा। देखिए हर बार जो है आपका जो खनन और उत्खनन क्षेत्र का जो जीडीपी भागीदारी जो है ये हर साल आपका बढ़ते जाता है, लेकिन एक वित्तीय वर्ष ऐसा आया था जब खनन तथा उत्खनन क्षेत्र की भागीदारी ऋणात्मक में चले गई थी, वो वित्तीय वर्ष था आपका वित्तीय वर्ष 2015-16। वित्तीय वर्ष 2015-16 में जो आपका खनन तथा उत्खनन क्षेत्र की जो आपकी भागीदारी थी उसका जो आपका वृद्धि दर था, वृद्धि दर आपका -4.8% के आसपास था, ऋणात्मक दर्ज किया गया था। ठीक है, तो प्रश्न पूछा जाएगा कि खनन तथा उत्खनन क्षेत्र की वृद्धि दर किस वर्ष जो है आपकी ऋणात्मक दर्ज की गई, तो वो है आपके वित्तीय वर्ष 2015-16। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अब देखिए मुख्य बिंदु ध्यान दीजिएगा, वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए, ठीक है यहां पर आंकड़े पे ध्यान दीजिए, यहां हम 18-19 की बात कर रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 में छत्तीसगढ़ को खनिजों से प्राप्त राजस्व आए, ठीक है, छत्तीसगढ़ को खनिजों से प्राप्त राजस्व आए। देखिए हम आपके अध्याय 5 में हम देख चुके हैं, ठीक है, जो हम राजस्व आय के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, राजस्व आय छत्तीसगढ़ का राजस्व आय लगभग आपका 79,000, ठीक है, 79,000 के आसपास छत्तीसगढ़ का राजस्व आय है। तो इस 79,000 राजस्व आय में से जो है खनिजों से जो प्राप्त राजस्व है वो है आपका 61,10 करोड़ रुपए। काफी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है, पीएससी ने भी उठाया है, व्यापम ने भी उठाया है। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में छत्तीसगढ़ को खनिजों से प्राप्त राजस्व आय कितना था, तो वो था आपका 61,10 करोड़ रुपए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए, यहां 17-18 की बात हो रही है, यहां 18-19 की बात हुई, वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए छत्तीसगढ़ का देश के कुल खनिज मूल्य में योगदान, छत्तीसगढ़ का देश के कुल खनिज मूल्य में योगदान, इसका मतलब क्या है, देखिए छत्तीसगढ़ में जो आपका खनिजों का जो आपका उत्खनन हुआ, यानी कि जितने भी मूल्य का कुछ खनिज का उत्खनन हुआ, तो उस खनिज का कोई ना कोई एक कीमत होगा, एक मूल्य होगा, तो छत्तीसगढ़ में जो आपका खनिजों का उत्पादन हुआ, तो उस खनिजों का मूल्य
देश के कुल खनिज मूल्य का, देश के कुल खनिज मूल्य का मतलब जैसे पूरे देश में, जैसे आपके झारखंड में आपके खनिजों का उत्खनन हुआ, झारखंड में हुआ, बिहार में हुआ, यूपी में हुआ, उड़ीसा में हुआ, आंध्र प्रदेश में हुआ, तो जो भारत के जो अलग अलग राज्यों में जो कुल खनिज मूल्य आपका एकत्र हुआ, यानी कि खनिजों का उत्पादन हुआ और उसका जो कुल खनिज मूल्य एकत्र हुआ, तो उसमें जो है छत्तीसगढ़ से देश का जो कुल खनिज मूल्य है उसमें योगदान कितना है, यानी कितना प्रतिशत भागीदारी रखता है। देखिए वित्तीय वर्ष 2017-18 में हमारे छत्तीसगढ़ की भागीदारी रही 15.66%, यानी कि देश के कुल खनिज मूल्य में छत्तीसगढ़ का जो योगदान है वो है आपके 15.66%। मान लीजिए जैसे कि आपका जो आपका देश का कुल खनिज मूल्य, यानी कि पूरे देश भर में पूरा जो है आपका खनिजों का उत्खनन किया गया, तो उसमें समझ लीजिए आपके 100 रुपये का जो है खनिज का जो आपका उत्पादन किया गया, तो इस 100 रुपये में से 15.66 रुपये जो है ये छत्तीसगढ़ की हिस्सेदारी है, यानी कि भारत सरकार ने अकेले छत्तीसगढ़ से इतना रुपये कलेक्ट किया है। तो देश में उत्पादित कुल खनिज मूल्य में छत्तीसगढ़ का जो योगदान है वो है आपका 15.66%। देखिए ध्यान दीजिएगा, दो आंकड़े दिए गए हैं, एक दिया गया है आपका 15.66% जो कि कंप्लीट आपका फाइनेंशियल ईयर 2017-18 का है। देखिए फाइनेंशियल ईयर, ये जो फाइनेंशियल ईयर है ये चालू हुआ है आपके 1 अप्रैल 2017 से चालू हुआ और एंड हुआ है आपका 31 मार्च 2018 को, ठीक। तो इस बीच में, इस कंप्लीट ईयर में ये भागीदारी दर्ज की गई 15.66%, ठीक। लेकिन उसमें एक आंकड़ा और दिया गया है अगस्त 2018 तक की स्थिति में, अगस्त 2018 मतलब 31 मार्च से लेकर के अगस्त एंड तक, अगस्त 2018 तक की स्थिति में ये भागीदारी रही आपके 9.3%। इंपॉर्टेंट है, दोनों आंकड़े याद रखना है, कुछ भी मेंशन कर सकता है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में पूछे तो वित्तीय वर्ष 2017-18 में छत्तीसगढ़ में जो आपके उत्पादित खनिज मूल्य है उसका देश के कुल खनिज मूल्य में भागीदारी आपका 15.66% है। अगर क्वेश्चन चेंज किया कि अगस्त 2018 तक की स्थिति में छत्तीसगढ़ में उत्पादित खनिज मूल्य का देश के कुल खनिज मूल्य में योगदान कितना है, तो वो हो जाएगा आपका 9.3%, ठीक है। और ऐसे प्रश्नों से खेलता है पीएससी, ठीक। तो क्या लिख रहा है, क्या मेंशन कर रहा है, थोड़ा सा ध्यान देते हुए चीजों को आप टिक करेंगे, ठीक। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ के कुल राजस्व आय का मतलब, जैसे कि मैंने आपको बताया कि छत्तीसगढ़ का जो राजस्व आय है हम आपके चैप्टर 5 में देख चुके हैं, छत्तीसगढ़ का राजस्व आय है आपका 79,000। तो छत्तीसगढ़ के कुल राजस्व आय में, ठीक है, कुल राजस्व आय में 27% जो आपका राजस्व है वो खनिजों के दोहन से प्राप्त होता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ को जो आपके राजस्व आय की प्राप्ति होती है, यानी कि जो भी आपके सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होता है उसमें 27% जो भागीदारी है वो आपके खनिजों के दोहन, इस वर्ड पर ध्यान दीजिए, खनिजों के दोहन से प्राप्त होता है। खनिजों के दोहन का मतलब, देखिए ये जो आपका 27% वाला जो आंकड़ा है ना, ये 5-6 साल से जैसे का वैसा ही बना हुआ है। 27% का जो आंकड़ा है 5-6 साल से जैसे का वैसा ही बना हुआ है, कंटिन्यू चला आ रहा है, ये चेंज नहीं हो रहा और ये क्वेश्चन रिपीट भी होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, छत्तीसगढ़ का जो कुल राजस्व आय है, अब ये कुल राजस्व आय क्या है समझ में नहीं आ रहा होगा, चैप्टर 5 को जाकर के फिर से पढ़िए। कुल राजस्व आय में जो 27% भागीदारी है वो खनिजों के दोहन से प्राप्त होगी। खनिजों के दोहन से का मतलब, देखिए ये 27% को ये मत कीजिएगा कि कुल राजस्व आय में जो है हम 27% उसका निकालेंगे तो हमको 61.10 करोड़ रुपए मिलेगा, ऐसा नहीं है। यहां वर्ड यूज हो रहा है खनिजों के दोहन से। खनिजों के दोहन से का मतलब, जैसे कि मान लीजिए हमने जो है कोयले का उत्खनन करके निकाला, कोयला एक खनिज है, अब इस कोयले का हम करेंगे दोहन। दोहन किस प्रकार से करेंगे, इस कोयले को जला करके हम जो है आपके इससे तापीय ऊर्जा बनाएंगे, ठीक है, इससे जो है आपका तापीय ऊर्जा बनाते हैं। लौह अयस्क का हमने उत्खनन किया तो लौह अयस्क एक खनिज है, अब उससे हम स्टील बनाएंगे, तो ये होता है खनिजों का दोहन। यहां पर केवल खनिज के बारे में बात की जा रही है, यहां पे खनिजों के दोहन की बात की जा रही है, यानी कि खनिजों के उपयोग करने से जो आपका अर्निंग होता है वो भी इसमें ऐड होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, खनिज राजस्व आय, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ को जो आपकी खनिज राजस्व की प्राप्ति हुई है, इस खनिज राजस्व में मुख्य खनिज की भागीदारी है 94%, जबकि गौड़ खनिज की भागीदारी है 6%। ये जो कुल आपका खनिजों से जो राजस्व आय की प्राप्ति हुई है 61.10 करोड़ रुपए में, तो इस 61.10 करोड़ रुपए में जो है आपके मुख्य खनिज की भागीदारी है 94%, जबकि गौड़ खनिज की भागीदारी 6%। मुख्य खनिज क्या होता है, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ मुख्य खनिज कौन कौन से हैं, कोयला हो गया, लौह अयस्क हो गया, चूना पत्थर हो गया, ये सभी के सभी आपके मुख्य खनिज है।
गौड़ खनिज का कौन कौन सा है, जैसे एलेक्जेंड्राइट हो गया, कोरंडम हो गया, ग्रेनाइट हो गया, ये सभी के सभी आपके गौड़ खनिज। गौड़ खनिज यानी कि जिससे हमें बहुत कम ही आपके सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होता है। मुख्य खनिज जिससे सोर्स ऑफ इनकम काफी ज्यादा हमें जनरेट होता है, जैसे कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर, ठीक है। तो ये जो है आपका मुख्य खनिज, तो मुख्य खनिज की भागीदारी है आपका 94%, जबकि गौड़ खनिज की भागीदारी है 6%, ठीक। देखिए नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास। ये है क्या? ये आपका केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के अंतर्गत ये आपका पूरे भारत भर के हर राज्यों में आपके जिला खनिज संस्थान न्यास का गठन किया जाता है। न्यास मतलब होता है ट्रस्ट। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य क्या रहता है? खनिज संक्रियाओं से प्रभावित व्यक्ति व क्षेत्रों का विकास करना। खनिज संक्रियाओं से, जैसे कि मान लीजिए किसी एक गांव में जो है कोई आपका खनिज होने का अनुमान लगाया गया। अब उस गांव के आसपास के क्षेत्र में खनिज होने का अनुमान पता चला, तो अब वहां पर उत्खनन कार्य किया जाएगा। यानी कि पूरे के पूरे गांव को दूसरे जगह बसाया जाएगा, उन्हें फिर से वहां पर ले जाकर के उन्हें वेल सेटल्ड किया जाएगा। तो इसके लिए क्या है, इससे क्या हो रहा है, जिस स्थान पर हम उत्खनन कार्य कर रहे हैं तो वहां पे उन जो उस गांव में रहने वाले जो व्यक्ति है इस उत्खनन कार्य से प्रभावित होंगे। उत्खनन से प्रदूषण भी होगा, तो उससे जो है आसपास का वातावरण प्रदूषित होगा, तो उसका इनडायरेक्टली प्रभाव जो है वहां पर रहने वाले लोगों पर पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो है आपके खनन संक्रियाओं से यानी कि खनन की प्रक्रिया से कोई भी व्यक्ति या कोई क्षेत्र अगर प्रभावित हो रहा है तो उसका विकास करने का कार्य करेगा आपका जिला खनिज संस्थान न्यास, ठीक है। तो हमारे छत्तीसगढ़ के भी आपके जिलों में जिला खनिज संस्थान न्यास का गठन किया गया है। ये अधिसूचित हुआ आपका 22 दिसंबर 2015 को जो आपका अधिसूचित हुआ। इसके अंतर्गत आपका डीएमएफ राशि यानी कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड राशि इसमें प्रदान किया जाता है। देखिए जो कि आपका कुल रॉयल्टी दर का, अब ये रॉयल्टी दर क्या होता है इसे आगे हम देखेंगे, रॉयल्टी दर का 10 से लेकर 30% तक का जो हिस्सा है वो आपके डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के रूप में एकत्र किया जाता है और इसका उपयोग खनिज संक्रियाओं से प्रभावित व्यक्ति और क्षेत्रों के विकास में किया जाता है। यानी कि एक गांव को दूसरे जगह ले जाकर के वहां पे बसा दिए तो फिर उनके रहने की व्यवस्था, उनके स्कूल की व्यवस्था, उनके अस्पताल की व्यवस्था, ये सारी जो कार्य है आपके डीएमएफ फंड से किए जाते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। एक प्रश्न पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में जो है आपके डीएमएफ की स्थापना की जा चुकी है, यानी कि जिला खनिज संस्थान न्यास का स्थापना किया जा चुका है। तो आपके पूरे 27 जिलों में, ठीक है, पूरे के पूरे 27 जिलों में जो है आपके डीएमएफ यानी कि आपके छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास का गठन किया जा चुका है। अभी वर्तमान में आपका 28वां जिला गोरेला पेंड्रा मरवाही बन चुका है, लेकिन इससे रिलेटेड आपका जो आंकड़ा है वो अभी हमारे पास मौजूद नहीं है। तो फिलहाल आप 27 जिले याद करते हुए चलिए, ठीक, यानी कि छत्तीसगढ़ में जितने जिले हैं उन सभी में जो है आपका छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास का गठन किया जा चुका है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम यानी कि सीएमडीसी, छत्तीसगढ़ मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो कि छत्तीसगढ़ में जो है छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार के अधीन एक उपक्रम है जो कि छत्तीसगढ़ में उत्खनन का कार्य करती है, ठीक। देखिए इसका गठन हुआ था आपका 7 जून 2001 को। इंपॉर्टेंट है, इस निगम के गठन से भी जो है आपके प्रश्न पूछा जाता है कि सीएमडीसी कब अस्तित्व में आया या सीएमडीसी का गठन कब हुआ, तो 7 जून 2001 को आपका सीएमडीसी का गठन हुआ। इसके वर्तमान अध्यक्ष, थोड़ा ध्यान समझिएगा, देखिए जिन लोगों ने भी इकोनॉमिक सर्वे लिया है इसको अपडेट कीजिएगा, अभी कुछ 2-3 महीने पहले जो है इसके अध्यक्ष चेंज हुए हैं। इकोनॉमिक सर्वे के पीडीएफ में आपको लिखा हुआ मिलेगा यहाँ पे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, ठीक है। से पहले जो है आपके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है आपके इस सीएमडीसी के अध्यक्ष थे, लेकिन वर्तमान में जो है आपके इन निगम मंडलों में कुछ नई नियुक्तियां हुई है और इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं आपके गिरीश देवांगन, ठीक है। सीएमडीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है पूछा जाए तो गिरीश देवांगन, उस पीडीएफ में भी उस चीज को अपडेट कीजिएगा, ठीक। वर्तमान में हमारे प्रदेश के खनिज मंत्री, जैसे कि हम देख चुके हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो आपकी कैबिनेट मंत्रियों की संख्या 13 है, हर एक मंत्री को एक एक विभाग सौंपा गया है, तो उस प्रकार से जो खनिज विभाग जो है ये आपके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पास है, ठीक है। तो हमारे प्रदेश के खनिज मंत्री वर्तमान में कौन है, आपके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। नेक्स्ट देखिए, खनन तथा खनिज क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की स्थिति, भंडारण के क्षेत्र में या उत्पादन के क्षेत्र में खनिजों का डिपॉजिट यानी जितने खनिज है, कोयला हो गया, लौह अयस्क हो गया, डोलोमाइट, बॉक्साइट, चूना पत्थर, टीन, जितने भी आपके खनिज है, तो उन सभी खनिजों में जो है पूरे देश भर में भंडारण के मामले में यानी कि डिपोजिशन के मामले में, उत्पादन के मामले में यानी कि आपके प्रोडक्शन मामले में, दोनों मामले में हमारा छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर है, ठीक है। दोनों मामले में हमारा छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर है। देखिए ये जो आपका डाटा है ये लगातार चेंज होते रहता है, लेकिन लास्ट ईयर का अगर हम देखते हुए चले तो भंडारण और उत्पादन दोनों में हमारा छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट देखिए, सर्वाधिक राजस्व,
छत्तीसगढ़ में किस खनिज से छत्तीसगढ़ सरकार को सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति होती है? कोयला हो गया, लौह अयस्क हो गया, चूना पत्थर हो गया, तो ये सभी के सभी मुख्य खनिज है। तो इन मुख्य खनिजों में से जो सर्वाधिक जो राजस्व, सर्वाधिक जो पैसा सरकार को देता है वो खनिज कौन सा है? वो है आपका कोयला। ठीक है, सर्वाधिक पैसा सरकार को देने वाला यानी कि सर्वाधिक राजस्व सरकार को देने वाला खनिज कौन सा है? वो है कोयला। और कौन सा जिला जो है वो सर्वाधिक राजस्व एकत्र करता है यानी कि सर्वाधिक राजस्व देने में उसकी भागीदारी है? वो है आपका कोरबा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो आपके कोयले के जो माइंस है वो आपके कोरबा में ही है। ठीक है, तो सर्वाधिक जो आपका राजस्व देता है खनिजों से, जो सर्वाधिक राजस्व देने वाला जिला कौन सा है? कोरबा। इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अब हम देखेंगे छत्तीसगढ़ में खनिजों का भंडारण, उसके अनुमानित कितना हमारे छत्तीसगढ़ में खनिजों का कितना भंडारण मौजूद है, देश में उसकी भागीदारी कितनी है, यानी कि देश के कुल भंडारण में छत्तीसगढ़ में कितना प्रतिशत जो आपका उस वो खनिज भंडारित है। उसके बाद हम देखेंगे आपका उत्पादन। ठीक, देखिए छत्तीसगढ़ खनिज का भंडारण, ये है आपका इंडियन मिनरल बुक 2018। ठीक है, जो भारत सरकार की एक बुक पब्लिश की जाती है खनिजों के भंडारण से रिलेटेड, इंडियन मिनरल बुक 2018 के हिसाब से। देखिए ये है खनिजों के नाम, भंडारण, भंडारण जो कि आपके मिलियन टन में है, एमटी यानी कि मिलियन टन, प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब देश में भंडारित कुल खनिज का कितना प्रतिशत भंडारण हमारे छत्तीसगढ़ में मौजूद है। ठीक है, स्थान यानी कि देश में कौन से स्थान पर है भंडारण के मामले में, हमारे छत्तीसगढ़ देश में कौन से स्थान पर है। ठीक, देखिए कोयला, कोयले का हमारे छत्तीसगढ़ में भंडारण है 56036 मिलियन टन। ठीक है, कोयले का हमारे छत्तीसगढ़ में भंडारण है 56036 मिलियन टन, 56036 मिलियन टन हमारे छत्तीसगढ़ में भंडारण है। ठीक, लौह अयस्क का भंडारण है हमारे छत्तीसगढ़ में 48-58 मिलियन टन। ठीक है, 48-58, देखिए जैसे बता रहा हूं वैसे ही इन चीजों को याद कीजिएगा, ऐसे याद नहीं करना 4858 या फिर 56036, ऐसे में भूल जाएंगे। कैसे याद करना है? 56036 48 58। ठीक, चूना पत्थर का, चूना पत्थर जो है ये है आपका 10-8-5। ठीक है, 10-8-5 ये आपके चूना पत्थर का भंडारण है यानी कि 10805 मिलियन टन। डोलोमाइट का भंडारण है 919 यानी कि 919 मिलियन टन। बॉक्साइट का भंडारण है 173 मिलियन टन। टीन अयस्क का भंडारण है 30 मिलियन टन, जबकि जो आपका टीन धातु, ये टीन अयस्क है, ये टीन धातु है। ठीक है, इसका भंडारण है आपका 15487 टन। ये सभी के सभी आपके मिलियन टन में है, टीन धातु का जो आपका डाटा दिया गया है ये आपके टन में है। ठीक, इससे प्रश्न अभी तक तो आए नहीं है, लेकिन प्रश्न कैसे पूछेगा कि छत्तीसगढ़ में निम्न में से जो खनिजों के भंडारण के आधार पर बढ़ते क्रम में इन्हें व्यवस्थित कीजिए, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए यानी कि सबसे पहले कम किसका भंडारण सबसे कम है, उससे ज्यादा किसका है, उससे ज्यादा किसका है, उससे ज्यादा किसका है, यानी कि एक अरेंजमेंट के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है। तो एक लमसम डाटा अपने माइंड में बना करके रखिएगा। ठीक, अब देखिए कोयला, देश में भंडारित कुल कोयले का 18.15% 18.15% कोयले का भंडारण हमारे छत्तीसगढ़ में है, तथा इस 18.15 कोयले के भंडारण के साथ हमारा छत्तीसगढ़ देश में तीसरे स्थान पर है कोयले के भंडारण के मामले में। ठीक है, लौह अयस्क, हमारे छत्तीसगढ़ में देश में भंडारित कुल लौह अयस्क का यानी कि देश में जो आपके लौह अयस्क मौजूद है तो कुल लौह अयस्क का 22% डिपॉजिट यानी कि 22% भंडारण हमारे छत्तीसगढ़ में है, और इस 22% भंडारण के साथ हमारे छत्तीसगढ़ देश में तीसरे स्थान पर है। ठीक, चूना पत्थर, देश में भंडारित कुल चूना पत्थर का 5% भंडारण हमारे छत्तीसगढ़ में है, और इस 5% के साथ हमारा छत्तीसगढ़ देश में 5वें स्थान पर है। डोलोमाइट, देश में भंडारित कुल डोलोमाइट का 11.37% भंडारण हमारे छत्तीसगढ़ में है, और इस भंडारण के साथ हमारा छत्तीसगढ़ देश में तीसरे स्थान पर है। ठीक, बॉक्साइट, देश में भंडारित कुल बॉक्साइट का छत्तीसगढ़ में भंडारण 5% है, और इसके साथ हमारा छत्तीसगढ़ आपके बॉक्साइट के मामले में 4वें स्थान पर है। टीन अयस्क, देश में भंडारित कुल टीन अयस्क का 30% भंडारण हमारे छत्तीसगढ़ में है, और इस भंडारण के साथ छत्तीसगढ़ देश में पहले स्थान पर है, यानी कि सर्वाधिक भंडारण पूरे देश में टीन अयस्क का सर्वाधिक डिपॉजिट, सर्वाधिक भंडारण हमारे छत्तीसगढ़ में है।
ठीक, तो इसको याद रखिएगा। टीन धातु की बात की जाए तो टीन धातु जो है देश में भंडारित कुल टीन धातु का आपका 15.14% जो आपका डिपॉजिट है वो हमारे छत्तीसगढ़ में है। ठीक, ये तो था आपका भंडारण यानी कि डिपॉजिट, यानी कि इतने जो आपके अयस्क, जो आपकी खनिज अयस्क है हमारे पास मौजूद है, खनिज अयस्क मौजूद है। लेकिन अब इन खनिजों को खोद करके निकाला जाएगा, इनका खनन किया जाएगा, ठीक है, इनका उत्पादन यानी कि इनका प्रोडक्शन किया जाएगा। देखिए, प्रमुख खनिजों का उत्पादन वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए, ध्यान समझते हुए चलिएगा। देखिए, खनिज है, उत्पादन है और आपका प्रतिशत है। उत्पादन जो कि आपके 1000 टन में है, ध्यान देते चलिए। कोयला, कोयले का उत्पादन हुआ आपके वित्तीय वर्ष 2018-19 में 14,25,92,000 टन, ठीक है, 14,25,92,000 टन। लौह अयस्क का उत्पादन हुआ 30,40,000 टन। चूना पत्थर का उत्पादन हुआ 38,480,000 टन। डोलोमाइट, जिसका उत्पादन हुआ ही नहीं वित्तीय वर्ष 2018-19 में, बॉक्साइट का उत्पादन हुआ आपका 13,69, ठीक है, 69 बॉक्साइट का उत्पादन हुआ। जबकि टीन का उत्पादन हुआ, टीन का उत्पादन ध्यान दीजिएगा, ये सभी के सभी आपके 1000 टन में है और ये है आपका किलोग्राम में, ये 1000 टन में है, ये किलोग्राम में है, 13,166 किलोग्राम आपका टीन का उत्पादन हुआ, प्रोडक्शन हुआ। ठीक, तो देखिए इस उत्पादन, ये जो आपका छत्तीसगढ़ में जो कोयले का उत्पादन हुआ, ये देश में उत्पादित कुल कोयला का, यानी कि पूरे देश के जो आपके राज्य है, जहां जहां पर आपके कोयले का भंडारण है वहां वहां आपका उत्खनन कार्य हो रहा होगा, तो ध्यान दीजिएगा, देश में जो आपका कोयले का कुल उत्पादन हुआ तो उसमें से आपका 22.33% जो आपका उत्पादन अकेले छत्तीसगढ़ से हुआ, देश में उत्पादित कुल कोयले का 22.33% उत्पादन अकेले छत्तीसगढ़ से हुआ। लौह अयस्क, लौह अयस्क देश में उत्पादित कुल लौह अयस्क का 16.22% 16.22% उत्पादन हमारे छत्तीसगढ़ से हुआ। देश में उत्पादित कुल चूना पत्थर का 11.19% यानी कि 11.19% उत्पादन हमारे छत्तीसगढ़ से हुआ। डोलोमाइट का तो उत्पादन हुआ ही नहीं, यह है 0। बॉक्साइट का उत्पादन, देश में उत्पादित कुल बॉक्साइट का 6.26% उत्पादन हमारे छत्तीसगढ़ से हुआ। जबकि टीन, अभी तक देखिए देश में जो है और भी कई राज्यों में आपका टीन का डिपॉजिट है, लेकिन वहां पर अभी तक उत्खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है, एक अकेले हमारे छत्तीसगढ़ में ही टीन का उत्खनन किया जाता है। तो देखिए, देश में उत्पादित कुल खनिज का, कुल टीन अयस्क का 100% उत्पादन हमारे छत्तीसगढ़ से होता है, यानी कि हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो आपका टीन का उत्पादन करने वाला एकलौता राज्य है। ठीक है, इस पर जो है हमारे छत्तीसगढ़ का एकाधिकार है अभी फिलहाल, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, कई बार परसेंटेज से भी क्वेश्चन आता है अगर किस्मत फूटा रहा तो, बाकी मुख्य बिंदु से तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो क्वेश्चन है आपके इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। ठीक, देखिए नेक्स्ट समझिएगा, नेक्स्ट है आपका रॉयल्टी दर। ये जो रॉयल्टी दर है ये आपके वित्तीय वर्ष 2014-15 में ये रॉयल्टी दर जारी किया गया था और अभी भी यही चल रहा है। ये जो राशि है, राशि आपके प्रति टन में है, राशि जो है आपके प्रति टन में है, ध्यान समझते हुए चलिएगा। रॉयल्टी दर क्या होता है, रॉयल्टी दर का मतलब जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ में आपके बेलाडीला की पहाड़ी में लौह अयस्क का उत्खनन करता है NMDC यानी कि नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रीय नेशनल, यानी कि ये भारत सरकार का उपक्रम है, केंद्र सरकार का उपक्रम है, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के जमीन में आकर के आपके लौह अयस्क का उत्खनन कर रहा है, छत्तीसगढ़ में आके लौह अयस्क का उत्खनन कर रहा है, लोहे को खोद करके ले जा रहा है, खनन करके ले जा रहा है और उसको बेच रहा है और बेच करके पैसे कमा रहा है। तो छत्तीसगढ़ के जमीन में आकर के भारत सरकार का कोई उपक्रम छत्तीसगढ़ के जमीन में आकर के अगर उत्खनन कार्य करेगा, तो अगर वो छत्तीसगढ़ की जमीन का उपयोग कर रहा है तो उपयोग करने के एवज में केंद्र सरकार, राज्य सरकार को, यानी कि भारत सरकार का उपक्रम छत्तीसगढ़ सरकार को कुछ ना कुछ अमाउंट पे करेगा। क्यों? क्योंकि वो हमारे छत्तीसगढ़ के भूमि पर रह करके जो है खनिज का उत्खनन कर रहा है, तो जो अमाउंट वो पे करता है वो कहलाता है आपका रॉयल्टी दर। ठीक है, रॉयल्टी दर, इसमें छत्तीसगढ़ सरकार का कोई भी उपक्रम उत्खनन नहीं कर रहा, उत्खनन कौन कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी ये केंद्र सरकार की कोई कंपनी उत्खनन कर रही है, छत्तीसगढ़ के भूमि पर कर रही है, तो उसके एवज में रॉयल्टी देना पड़ता है। ठीक, तो देखिए आयरन ओर का जो है आपका रॉयल्टी रेट है वो है आपका 450 प्रति टन। ठीक है, एक टन अगर हम लौह अयस्क का उत्खनन करेंगे, यानी कि NMDC एक टन लौह अयस्क का उत्खनन करेगी, तो उसके एवज में जो है 450 रुपए छत्तीसगढ़ सरकार को अदा करेगी। ठीक, कोयला, कोयला का रॉयल्टी रेट है आपका 145 रुपए प्रति टन। बॉक्साइट का रॉयल्टी रेट है 140 रुपए प्रति टन। लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर का आपका रॉयल्टी रेट है 80 रुपए प्रति टन, जबकि
आपका डोलोमाइट का रॉयल्टी रेट है 75 रुपये प्रति टन। प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्न में से किस खनिज का रॉयल्टी दर सर्वाधिक है, तो वो है आपका आयरन ओर का, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, अग्रणी जिला, ये जो हम आपके मुख्य खनिजों के नाम पढ़े, तो इस मुख्य खनिजों के उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है। जैसे कि कोयले के उत्पादन में अग्रणी जिला है आपका कोरबा, यहाँ पर भी हम देख चुके हैं। लौह अयस्क के उत्पादन में आपका अग्रणी जिला है दंतेवाड़ा। चूना पत्थर के उत्पादन में अग्रणी जिला है बलौदाबाजार, क्योंकि वहीं पर आपके चूना पत्थर के डिपॉजिट सर्वाधिक है और यहीं पर सबसे ज़्यादा आपके सीमेंट उद्योग है, सीमेंट इंडस्ट्री में सर्वाधिक आपकी चूना पत्थर का ही उपयोग होता है, ठीक। बॉक्साइट, बॉक्साइट का जो आपका सर्वाधिक उत्पादन होता है ये होता है बलरामपुर से, जबकि टीन का सर्वाधिक उत्पादन हो रहा है आपके दंतेवाड़ा से, ठीक। नेक्स्ट देखिए, यानी कि इन आपके जिले से सर्वाधिक खनिज राजस्व की प्राप्ति हो रही है, ठीक है। अब देखिए CMDC छत्तीसगढ़ मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की परियोजना है, ठीक है। छत्तीसगढ़ जो आपके खनिज विकास निगम है, इसकी कुछ परियोजनाएं हमारे प्रदेश में संचालित है। परियोजना का मतलब यानी कि जिन जिन आपके खनिजों का उत्खनन कर रहा है वो कहलाता है परियोजना। आया वो प्रश्न है कि CMDC यानी कि छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के अंतर्गत कितनी परियोजनाएं आपका संचालित है, तो ध्यान दीजिएगा 5 परियोजना संचालित है। एक आपके कोयला खनिज से संबंधित है, दूसरा लौह खनिज से संबंधित है, तीसरा बॉक्साइट, चौथा कोरंडम और पांचवा है आपका कैसेटराइट। अब ये कैसेटराइट क्या है, ध्यान समझिएगा, टीन के अयस्क को कहा जाता है कैसेटराइट। एक प्रश्न पूछा जाएगा कि जो कैसेटराइट ये किसका अयस्क है पूछा जाए, तो ध्यान दीजिएगा कैसेटराइट जो है ये आपके टीन का प्रमुख अयस्क है, ठीक है। कैसेटराइट से जो है आपका टीन का निष्कर्षण किया जाता है, ठीक। तो देखिए, कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट, कोरंडम और कैसेटराइट, ये 5 परियोजनाएं CMDC की हमारे प्रदेश में संचालित है, यानी कि इन 5 खनिजों का उत्खनन जो है ये आपका CMDC कर रहा है, ठीक। कोयला जो आपका कोल है यानी कि कोयला, इसकी परियोजना चल रही है, इस परियोजना का नाम है आपका केरवा, ठीक है, केरवा कोल लिमिटेड, जो कि आपके कोरबा, ये जो आपका केरवा जो स्थान है ये आपका मौजूद है कोरबा में, ठीक। दूसरा है आपका लौह अयस्क की परियोजना चल रही है, जिसके अंतर्गत जो आपका CMDC उत्खनन कार्य कर रहा है, एक है आपका बैलाडीला, ठीक है, एक है आपका बैलाडीला में, दूसरा है आप बैलाडीला यानी कि दंतेवाड़ा, दूसरा है आरी डोंगरी यानी कि कांकेर, और तीसरा है आपका कवर्धा यानी कि कबीरधा, ठीक। बॉक्साइट का उत्खनन 2 स्थानों से कर रही है आपकी CMDC, एक है आपका सरगुजा और दूसरा है कबीरधाम। नेक्स्ट है कोरंडम का उत्खनन CMDC जो है ये कुचनूर की पहाड़ी बीजापुर से कर रही है। उसके बाद नेक्स्ट है कैसेटराइट का उत्खनन जो है CMDC ये कर रही है जगदलपुर बस्तर से। तो इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आया हुआ है कि CMDC के अंतर्गत कितनी परियोजनाएं संचालित है, टोटल 5 परियोजनाएं संचालित है आपके CMDC के अंतर्गत, ठीक। तो खनिज से रिलेटेड इतने सारे आंकड़े याद रखिएगा, एग्जैक्ट डाटा याद नहीं होता तो लमसम डाटा याद रखिएगा, ठीक है। इस भंडारण से और इस उत्पादन से अभी तक प्रश्न पूछा तो नहीं गया है, लेकिन अरेंजमेंट के लिए क्वेश्चन आए हैं। भंडारण के आधार पर अरेंज कीजिए उत्पादन, मतलब वित्तीय वर्ष 2018-19 में किस खनिज का उत्पादन सर्वाधिक हुआ, यानी कि बढ़ते क्रम में घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, पूछ सकता है। परसेंटेज इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज से क्वेश्चन आया हुआ है। एक ठोक आप एक जो डाटा है इसको अलग से लिखिएगा, ये जो कोयला क्षेत्र के उत्पादन के मामले में हमारा छत्तीसगढ़ देश में पहले स्थान पर है वित्तीय वर्ष 2019-20 में, ठीक है। जो आपका पिछला वित्तीय वर्ष जो बीता, आपका वित्तीय वर्ष 2019-20 में, वित्तीय वर्ष 2019-20 में कोयले के उत्पादन में हमारा छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर है। छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर है का मतलब, देखिए कोयले का जो उत्खनन है ये आपके कोल इंडिया कंपनी यानी कि भारत सरकार की जो उपक्रम है उसकी सब्सिडियरी यानी कि सहायक कंपनी के द्वारा किया जाता है। तो कोल इंडिया की एक सहायक कंपनी हमारे छत्तीसगढ़ में मौजूद है, जिसका नाम है आपका SECL साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, जिसके द्वारा सर्वाधिक कोयले का उत्पादन किया गया इस वित्तीय वर्ष 2019-20 में। प्रश्न पूछा जाएगा कि हमारे छत्तीसगढ़ का कोयले के उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो वो है आपका पहला स्थान, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, बाकी देखेंगे कल। चलिए, किसी प्रकार डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।